हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुत्ते के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये जानकारियाँ बहुत ही मजेदार और रोचक हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज जानवरों और पक्षियों के बारे में नई नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज कुत्ते के बारे में वीडियो पसंद आएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। कुत्तों के नाक हमेशा गीले रहते हैं और रसायनों के गंध को सूंघने में यही इनकी मदद करते हैं। जैसे हम इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ऐसे ही कुत्तों के नाक के प्रिंट भी अपने आप में अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं, डूबते हुए टाइटैनिक में कुल 12 कुत्ते थे जिनमें से 3 को बचा लिया गया था। अत्यधिक गर्मी पड़ने पर और हांफते समय कुत्ते की सूंघने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। क्या आपको पता है, कुत्ते भेड़ियों के ही वंशज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुत्तों की आंखों में 3 पलकें होती हैं, जिसमें से 2 हमें दिखाई देती हैं, लेकिन तीसरी पलक दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये दोनों पलकों के नीचे और आंखों के कोने में मौजूद होती है। ब्लडहाउंड नाम की प्रजाति के कुत्तों की सूंघने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। ब्लडहाउंड कुत्ते किसी अपराधी के 300 घंटे पुराने ट्रैक्स को पहचान सकता है, और यही नहीं, उस ट्रैक को 200 किलोमीटर तक पीछा भी कर सकता है। ग्रेट डेन प्रजाति के कुत्ते सबसे लंबे माने जाते हैं। वैसे तो इस प्रजाति के कुत्ते 28 से 30 इंच ऊंचे होते हैं, लेकिन इसी प्रजाति का ज्यूस नाम का एक कुत्ता विश्व के सबसे ऊंचे कुत्ते का रिकॉर्ड बना चुका है। इसकी ऊंचाई 44 इंच है। कुत्तों को लुका छिपी का खेल बहुत पसंद है। इनके सूंघने की क्षमता हम इंसानों से 10,000 गुना अधिक होती है। ग्रेहाउंड प्रजाति का कुत्ता लंबी दूरी के रेस में चीते को भी पीछे छोड़ सकता है। इस प्रजाति को विश्व का सबसे तेज कुत्ता माना जाता है। इसकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वही ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक दौड़ सकता है, जबकि चीता इसी रफ्तार से लगातार 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता। पूरी दुनिया में कुत्तों की सबसे पुरानी प्रजाति सालुकी है। इस ब्रीड के कुत्ते का जीवाश्म 329 BC पुराना है। प्राचीन मिश्र के जमाने में इसे पसंदीदा पालतू पशु के रूप में देखा जाता था। कहा जाता है कि यह प्रजाति यमन के प्राचीन शहर सलूक से आया था और शायद इसी वजह से इसका नाम सालुकी पड़ा। कुत्ते के गले में कांटेदार पट्टा डालने का चलन मिश्र के जमाने से है। उस समय शिकारी जानवरों से कुत्तों को बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। आज भी इसे एक फैशन के रूप में उपयोग किया जाता है। जानकारों के अनुसार कुत्ते लगभग 1000 शब्दों को सीख सकते हैं। इन्हें गिनती गिनना और छोटी छोटी गणितीय समस्याओं को हल करना भी सिखाया जा सकता है। बसेजी कुत्तों की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो भौंक नहीं सकती। पिल्ले के मुंह में 28 दांत होते हैं, जबकि वयस्क कुत्तों के 42 दांत होते हैं। कुत्तों के पिल्ले पहले 4 से 5 महीनों में अपने शरीर का आधा वजन बढ़ा लेते हैं। बाकी के आधे वजन को हासिल करने के लिए 1 वर्ष या उससे अधिक समय लगता है। एक कुत्ते का जीवन काल 10 से 14 साल तक का हो सकता है। पिल्ले जब पैदा होते हैं तो वे अंधे, बहरे और बिना दांत वाले होते हैं। कुतिया अपने बच्चों को जन्म से पहले 9 महीने अपने कोख में रखती है। जन्म के 12 से 24 महीनों के अंदर में ये पूरी तरह से अपने आकार में आ जाते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि बड़ी प्रजाति के कुत्तों का जीवन काल छोटी प्रजाति के मुकाबले कम होती है। इनके शरीर का पसीना इनके पंजों से बाहर निकलता है। ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं, कुत्तों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वे इंसानों शरीर में कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। कुत्ते शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये फल, सब्जियां और मांस भी खाते हैं। कुत्तों की दृष्टि सुबह और संध्या काल में सबसे अधिक होती है। बाइबल में कुत्तों का जिक्र 35 बार किया गया है। कुत्तों को समय का भी एहसास होता है और वे खाने, टहलने जैसे अपने दिनचर्या के समय को याद रखते हैं। इनके सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। कुत्तों और बिल्लियों के पानी पीने का तरीका एक जैसा होता है। इन्हें अंधेरे में हमसे बेहतर दिखाई देता है और ये परछाइयों को आसानी से देख लेते हैं। आपका डॉग आपको सूंघ कर आपकी भावनाओं का पता लगा सकता है। आप खुश हों या दुखी, इन्हें पता चल जाता है। कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त माना जाता है और इस दोस्ती का इतिहास बहुत ही पुराना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो किस जानवर पर बनाएं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।